हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। टीआरपी आ गई है हिंदी टेलीविज़न की, पंजाबी की, सभी चैनल्स की टीआरपी आ गई है। थर्सडे में जो है आपके कितने शो अच्छे चल रहे हैं, ये सब डिसीज़न होता है आपका प्यारे से टीआरपी से। अगर टीआरपी अच्छी है तो यकीन मानिए आपके शो काफ़ी अच्छे सफ़र कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में जो है बीआरसी टीआरपी हिंदी टेलीविज़न की वीक 30 की किसने बनाई है टॉप 5 में अपनी जगह, और कौन सा शो फिर से हो गया यार टॉप 5 से बाहर, या इस बार जो है आपके शो की जो टीआरपी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आई है, तो चलिए बताते हैं। नंबर 1 की पोजिशन पर हमेशा की तरह बना हुआ है आपका नुक्मा। कितने दिन बनेगा यह नुक्मा नंबर 1 पे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कितने दिन बनेगा, आप शायद बता सकते हैं। आप कहेंगे ये राजन साई का शो है, ये नंबर 1 पे ही रहेगा, तो चलिए फिर रेटिंग भी सुन लीजिए। आप रेटिंग निकल कर आइए 2.6, इससे पहले भी काफ़ी डाउन गया है, फिर से जंप किया। हो सकता है स्कूल खुलने से जो है बच्चों ने, जो मम्मी हैं उन्होंने रात को टीवी बंद कर दिया हो और कहा हम तो यूट्यूब पे देख लेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे फैंस हैं जो रिव्यू देखकर पूरी कहानी बता देते हैं, जहाँ पे आपको आधे घंटे बैठना पड़ता है वहाँ पे आपको 5 मिनट में पूरी स्टोरी दिखा देते हैं, तो फिर क्रेज़ इतना नहीं रहता। नंबर 2 की पोजीशन पे है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है, 2.1 के साथ खड़ा हुआ है भाई। अब आप बताइए कि इसकी टीआरपी कब इम्प्रूव होगी, क्या जय सोनी की वजह यही है कि टीआरपी डाउन हो गई है। और नंबर 3 की पोजीशन पे है आपका गुम है किसी के प्यार में 2.0 के साथ, जितना पहले था उतना ही अब है, यहाँ तो 2.2 की उम्मीद लगा कर बैठे थे, यहाँ पे तो बढ़ी ही नहीं है, शायद अब बढ़ जाए क्योंकि भाई नोक झोंक शुरू होने वाली है। और आपके नंबर 4 की पोजीशन पे प्यारा सा शो है, कौन सा शो है बताइए ना, वो कोई और नहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 के साथ खड़ा हुआ है। बधाई हो तारक मेहता जी, आखिरकार आपने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है, लास्ट वीक भी थी और इस वीक भी है, तो अब तारक मेहता टॉप 5 से क्या जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। फिर आता है आपका प्यारा नंबर 5 की पोजीशन पे कौन सा शो है, गैस कीजिए। पांडे स्टोर है, नहीं यह चाहते हैं, नहीं इमली है, नहीं खतरों की खिलाड़ी। अरे यार नहीं बताओगे आप टॉप 5 पे कौन सा है, अरे बिल्कुल बताएंगे, फालतू है यार, फालतू जाने को है, टॉप 5 में जगह बनी हुई है तो क्या फालतू को फिर से टाइम मिल सकता है। फिलहाल तो 3 वीक का एक्सटेंशन मिला है हैप्पी एंडिंग करने के लिए, तो क्या पता उसमें कुछ बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल रेटिंग उसकी आई है 1.8। तो ये है आपके फेवरेट शो जो टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। इनमें से आपको क्या लगता है कि ये तो फालतू में जो है, फालतू शो की बात नहीं करी, डायलॉग है, फालतू में आ गया टॉप 5 में, या फिर क्या लगता है कि भैया अब ये शो जल्दी ही टाटा बाय करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।